बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सदर की इजाजत से बचन सिंह सरन साहब, उमर गजाली साहब, अशरफ हैदर साहब, सैयद अली कोमी साहब जा चुके हैं, साबिर अली साहब, आजम मुफ्ती साहब जा चुके हैं, अबू सुनील साहब और तमाम जितने भी मौजूद हैं यहाँ पे। देखिए दोस्तों, आपने हमने तमाम को सुना और सुनने के बाद अब कुछ बोलने का रहा नहीं, मगर एक अल्फाज, एक एनालाइज, या कल क्या है या आज क्या है, अब कल क्या होने वाला है, एक कोशिश कर रहा हूं। देखिए शिवलिंग होता है दोस्तों, यहाँ काफी हिंदू लोग बैठे हैं, मुसलमान भाई बैठे हैं, आप दोनों मजहब के मानने वाले हैं और हिंदुस्तान इतना खूबसूरत मुल्क है कि आप मंदिर में शिवलिंग देखते हैं। वो शिवलिंग एक पाक हिस्सा होता है, मस्जिद का एक पाक हिस्सा होता है, उसमें गलती से पिछू जाके बैठ गया। मैं आज का हिंदुस्तान बता रहा हूं और आजादी के बाद का हिंदुस्तान बता रहा हूं। आपको गौर से तवज्जो से समझना होगा कि एक शिवलिंग होता है, पाक होता है, उस पर गलती से जाके पिछू बैठ गया। ना आप उसे मार पा रहे हैं, ना आप उसे भगा पा रहे, अगर मारेंगे तो क्राइम है, गुनाह होगा। शिवलिंग के ऊपर पाक जगह पे पिछू को मार नहीं सकते, हम इस कमस्कस में फंसे हुए हैं। मगर कि आजादी क्या होती है, एक जिम्मेदार डॉक्टर, इंजीनियर, सहाफी और तमाम के नेता को हम लोग बोल देते हैं वो गलत है। मगर एक डिसीजन हिंदुस्तान सिर्फ नेता से नहीं बनता, हिंदुस्तान के पास बहुत से शाखाएं हैं। जिस तरह मेरा ये फिकर चल रहा है ये यहां से कनेक्टेड है, उसी तरह एक तमाम एडमिनिस्ट्रेशन है, ईडी है, सीबीआई है, ये तमाम के तमाम आज हमें आजादी इस मुल्क में, क्या हम उस तमाम से आजाद हैं? सवाल ये होना चाहिए। मैं किसी पे तंज नहीं कर रहा हूं, मैं अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूं। लड़की क्या पहनेगी, हम क्या खाएंगे, वो क्या किसको पूछेगा, वो तमाम चीज है, मगर ये सरकारी तमाम इंस्टीट्यूशन जो है वो कहां लाके हिंदुस्तान को खड़ा कर दिया है, ये भी एक आजाद का मामला है। तो उसको बात आगे लेके चलते, मुख्तसर बात की बात थी। महबूब अजहर साहब,